आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए उसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है, कार्नोट इंजन, आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सोल्व द न्यूमेरिकल। कार्नोट इंजन टेक्स, बेटा लेट हो, नहीं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगी बेटा, न्यूमेरिकल्स तो कल कराऊंगी इसके, आज जो है वो लास्ट टॉपिक करा रही हूं मैं आपको, लेकिन आप कंसेप्ट ना भूल जाओ इसलिए कार्नोट इंजन के ऊपर और कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ जो कल हमने किया था। देखिए, कार्नोट इंजन टेक्स इन 1000 कैलोरीज बेटा, जो भी आ रहे हैं ना अभी अपनी प्रेजेंट लगा देना। एक कार्नोट इंजन है टेक्स इन 1000 कैलोरीज, मतलब 1000 कैलोरीज, ठीक है, 1000 कैलोरीज इन हो रही है, मतलब ये आपको Q1 गिवन है, ठीक है। अब प्रेजेंट लगा देना सब, 1000 कैलोरीज एक कार्नोट इंजन इन ले रहा है, मतलब हीट ले रहा है, कैलोरीज ऑफ हीट, न्यूमेरिकल करा रही हूं ये एक, फ्रॉम ए रिजर्वोयर एट 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। ज्योति लेट हो बेटा, एट फ्रॉम ए रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर कितना है 627 डिग्री सेल्सियस है, एंड एग्जॉस्ट इट टू ए सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट यहाँ से रिजर्वोयर से ले रहा है कितना टेम्परेचर, जो कि कितने टेम्परेचर पे है, 627 डिग्री सेल्सियस पे है, और सिंक का टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें निकालना है हाउ मच वर्क, अनु लेट हो, हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म, अटेंडेंस लगा देना सब। हमें बताना है कि ये हीट इंजन कितना वर्क परफॉर्म करता है एंड व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो कल हमने एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला निकाला था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा 1 - T2 / T1। ये कार्नोट इंजन जो है, जो कार्नोट साइकिल से हमने जिसका ऑपरेशन एक्सप्लेन किया था, उस इंजन की एफिशिएंसी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग जरा सोल्व कीजिए, बताइए कितना आएगा, अगर आप लोग अपना होमवर्क टाइम से कर रहे हो तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। करना क्या है, देखिए Q1 हीट जो वो सिंक से एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितनी है, 1000 कैलोरीज है। अब 1000 कैलोरीज को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, पहले तो उसको कैलोरीज में ही कर लीजिए, तो 1000 कैलोरीज को किलो कैलोरीज है बेटा, ये 1000 किलो कैलोरीज, किलो भी था साथ में, तो क्या करेंगे 1000 तो ये, और किलो कैलोरीज को कैलोरीज में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किलो के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, अब ये किलो कैलोरीज से क्या बन गया, कैलोरीज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 6 कैलोरीज। इतनी हीट उसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है, कहाँ से, एक सोर्स से जिसका टेम्परेचर कितना है 627 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख सकते हैं कि T1 कितना है, 627 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सेल्सियस में है, अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना है तो आई होप यू हैव रिमेम्बर ऑल, 627 में 273 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एंड नाउ इट इज 900 केल्विन। तो T1 कितना आ गया, 900 केल्विन। इसी तरीके से हम T2 निकालेंगे, T2 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273 इट बिकम्स 300 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सो आई होप अगर आपको पता हो तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था, Q2 / Q1 इज इक्वल टू T2 / T1, याद है, ये हमने लास्ट में प्रूव किया था। तो यहाँ से हमारे पास T2 भी है, T1 भी है, ये दिस इज T1, और हम हमारे पास क्या है, Q1 भी है, तो Q2 निकाल सकते हैं, ये Q1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 इनटू T2 / T1 निकाल सकते हो, ये है 1000 कैलोरीज। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे Q1
क्या करेंगे, T2 की वैल्यू है हमारे पास, T2 इज 300, T1 की वैल्यू है कितना है, T1 कितना है 900 केल्विन, और ये हमारे पास आ गया कितना 10 to the power 6, Q1 कितना है 10 to the power 6, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 3, और ये आपके पास आ जाएगा 1/3 into 10 to the power 6 कैलोरीज। किसकी वैल्यू आ गई ये बेटा, Q2 की वैल्यू आ गई, तो Q1 भी आ गया Q2 भी आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन हीट इंजन में जितनी हीट आपने ली, ठीक है, Q1 हीट आपने ली, उसमें से Q2 हीट जो सिंक में चली गई है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वही आपके पास क्या होगा वर्क डन। फिर से देखिए यहाँ पे W जो होगा वो क्या होगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब की, तो उसको हमने लिखा था Q1 से, ठीक है, कितनी हीट सिंक में रिजेक्ट कर दी उसको हमने लिखा था Q2 से, तो जितनी हीट ली और जितनी सिंक में रिजेक्ट कर दी, तो बाकी बची हुई जो हीट थी वही किसमें चेंज हुई थी, वर्क डन के अंदर, ये आपको याद होगा। यस, निकाल लिया एफिशिएंसी, वेरी गुड, जिन्होंने नहीं निकाली है वो देख लीजिए। तो Q1 आपके पास आ गई, Q1 कितनी है बेटा 10 to the power 6 कैलोरीज थी, है ना, और ये कितनी है Q2 1/3 into 10 to the power 6, तो मतलब 10 to the power 6/1 अगर एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 10 to the power 6/3, तो एलसीएम 3 दिस इज कितना आ जाएगा, 3 into 10 to the power 6 माइनस 1 into 10 to the power 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 into 10 to the power 6/3, तो ये वर्क डन आ गया आपके पास, क्लियर है। तो ये वर्क डन जो है अभी वो कैलोरीज में है, अभी इस वर्क डन को हमें किस में चेंज करना है, जूल्स में चेंज करना है, और जूल्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना आया 2 into 10 to the power 6/3 कैलोरीज। पर वर्क डन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि वर्क डन, देन आपके पास इंटरनल एनर्जी, और देन आपके पास जो क्या था हीट जो गिवन है, वो सब किस में होने चाहिए, जूल्स में होने चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 into 4.2, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 to the power 6 पहले ही था, 3 भी पहले ही था, और अभी किस में कन्वर्ट हो गया, जूल्स में। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 4.8, और डिवाइड बाय 3 into 10 to the power 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 6 2 8 into 10 to the power 6, और ये आ गया जूल्स। तो इतना वर्क डन जो है वो हुआ। अब आपको क्या क्या निकालना था, हाउ मच वर्क इट हैज डन, तो इट हैज डन 2.8 into 10 to the power 6 जूल्स। और एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो, एफिशिएंसी के लिए अभी फॉर्मूला निकाला था 1 - T2/T1, तो एफिशिएंसी भी आ जाएगी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 - T2/T1, तो 1 - T2 कितना था 300, T1 कितना था 900, तो इसको कट करोगे तो ये आ गया 1 - 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 LCM 3 - 1 2 2/3, ठीक है। और एफिशिएंसी परसेंट में निकालनी है तो एफिशिएंसी परसेंट निकाल लो, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 200 / 3, तो ये आ गई 66.67%। किसी को कोई डाउट, चले आगे, क्लियर है, कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल कंसेप्ट क्लियरली क्लियर है ना, कोई ऐसा तो नहीं कहीं पे किसी को कुछ समझ ना आया हो। ओके, अब आप देखिए कि कार्नोट इंजन जो हमने कल किया था उससे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स में जो आपको बताने हैं, वो रिजल्ट ये है कि आपने देखा था कि जो एफिशिएंसी आई थी कल कार्नोट साइकिल फॉर द कार्नोट इंजन, उसके लिए जो एफिशिएंसी अभी हमने निकाली वो कितनी आई थी, 1 - T2/T1। तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाहती हूँ कि जो एफिशिएंसी है किसकी, कार्नोट इंजन की, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि T1 किसका टेम्परेचर था, सोर्स का, कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, सिंक का टेम्परेचर क्या है। क्या कहीं पे भी एफिशिएंसी के अंदर वर्किंग सब्सटेंस का जिक्र हुआ है, कहीं पे भी वर्किंग सब्सटेंस नहीं है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कि आप वर्किंग सब्सटेंस में क्या ले रहे हो, कार्नोट इंजन उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। सो कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, तो मतलब कार्नोट इंजन किसके ऊपर बेस्ड है,
किसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी बेस्ड है? उसकी एफिशिएंसी बेस्ड है कि सिंक का टेम्परेचर कितना है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है। सोर्स के टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सिंक के टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एफिशिएंसी के ऊपर क्या वर्क होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो, कहीं पे भी हमने यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस की बात नहीं की। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हम एफिशिएंसी को कितना बनाना चाहते हैं, 1 मतलब 100%, तो वो कब हो सकती है, जब ये T1 तो कितना बन जाए, इनफाइनाइट, अभी बताती हूँ क्यों, और T2 कितना बन जाए, T2 बन जाए 0 केल्विन, उस केस में एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। क्योंकि आप देखिए 1 माइनस ये हो गया 0 अपॉन इनफिनिटी, 0 अपॉन इनफिनिटी क्या होगा, 0 होगा, तो 1 माइनस 0 कितनी होगी एफिशिएंसी, 1, और 1 का मतलब कितनी है, 100%। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या सोर्स का टेम्परेचर हमारे पास इनफाइनाइट तक या इनफिनिटी तक ले जाना पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड T2 सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब दोनों ही वैल्यूज, T1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, दोनों ही अनअटेनेबल है और वी कैन से नॉट पॉसिबल वैल्यूज है। तो इसीलिए कोई भी कार्नोट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन 100%, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो। तो कार्नोट इंजन की ही एफिशिएंसी अगर 100% से लेस है, तो जितने भी इंजन रहने दो, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर, किसी की भी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्नोट इंजन की ही नहीं है। तो दूसरा, सारे जो इंजन है उन सब की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से क्या होगी, लेस होगी। क्लियर है ये पॉइंट? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो। ओके, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस, अब पता नहीं बच्चे छोड़ छोड़ के जाने लग गए, पता नहीं क्या ऐसा समझ आ गया है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना टॉपिक के बारे में आप डेरिवेशन तो करोगे ही, न्यूमेरिकल पार्ट भी करोगे, लेकिन जितना उसके कंसेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करोगे, उतनी ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और फिजिक्स का जो ये है ना कि एक फोबिया है कि फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स समझ नहीं आता है, वो चीज उतनी ही क्लियर होती जाएगी। फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा, बस ओनली थिंग इज पेशेंस से काम रखिए। तो एफिशिएंसी हमने देख लिया 100% कब हो सकती है, व्हेन T1 बिकम्स इनफाइनाइट और T2 बिकम्स 0 केल्विन, और दोनों वैल्यूज पॉसिबल है नहीं, तो एफिशिएंसी भी 100% पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वी नो दैट अभी हमने देखा कि जो Q2 है, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, है ना। अगर हम ये देखें कि व्हेन T2 इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, तो उस केस में Q2 भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब अगर ये 0 केल्विन के इक्वल नहीं है, तो Q2 भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये किस में कौन सी हीट होती है, जो सिंक के अंदर रिजेक्ट होती है, और ये कौन सी होती है, जो सोर्स में से हीट इंजन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास अगर T2 जीरो नहीं है, 0 केल्विन नहीं है, और T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का, तो बेटा अगर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, इसका मतलब सिंक के अंदर कुछ ना कुछ हीट वहां पे होगी, और सिंक की हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, Q2 से। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हीट इंजन जो है वो कुछ ना कुछ हीट किस में रिजेक्ट करेगा, सिंक में रिजेक्ट करेगा। इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कार्नोट थ्योरम। अब इस कार्नोट थ्योरम को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस कई बार कार्नोट साइकिल नहीं, कार्नोट थ्योरम पूछ ली जाती है। तो कार्नोट थ्योरम क्या है, ये थोड़ी सी टिपिकल आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इसको घर जाके एक दो बार अच्छे से इसकी एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो कार्नोट थ्योरम क्या है, कार्नोट थ्योरम ने 2 पॉइंट्स दिए, ए और बी। अब ये ए पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, वर्किंग बिटवीन 2 टेम्परेचर्स, आप ये याद रखिए, यहाँ पे था सोर्स,
जिसका टेम्परेचर था T1, और यहाँ पे था सिंक जिसका टेम्परेचर था T2, एंड यहाँ पे हमने रखा था वर्किंग सब्सटेंस। सो दिस वर्किंग सब्सटेंस वाज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, यहाँ से हीट ले रहा था और इसमें हीट रिजेक्ट कर रहा था, यही था। सो अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम फर्स्ट पॉइंट क्या है, वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स, टू गिवन टेम्परेचर्स T1 ऑफ हॉट रिजर्वोयर एंड T2 ऑफ कोल्ड रिजर्वोयर, नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन कार्नोट इंजन। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी हीट इंजन हो जो दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहा है, सपोज एक टेम्परेचर है T1 जो कि हॉट रिजर्वोयर का है और दूसरा टेम्परेचर है T2 जो कि कोल्ड रिजर्वोयर का है, तो कोई भी ऐसा इंजन हो जो इन दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहा है, मतलब उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहा है, तो चाहे कोई भी इंजन रहने दो, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या थी, कार्नोट थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट था कि देर इज नो इंजन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि देर इज नो इंजन इन द नेचर हुज एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन कार्नोट इंजन, यही कार्नोट थ्योरम बोल रही है। कार्नोट थ्योरम क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स, वर्किंग का मतलब कोई एक वर्किंग सब्सटेंस है जो वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर्स के बीच में, एक कोल्ड हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर T1 है और एक कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर T2 है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्किंग है, तो कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता जो वर्क करके एफिशिएंसी ज्यादा दे, किससे, कार्नोट इंजन से। एफिशिएंसी समझ गए ना, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितनी इनपुट है और उस इनपुट देने की वजह से आउटपुट कितनी है, जैसे आप लोगों की भी एफिशिएंसी है, आप कितना हार्डवर्क करते हो लेकिन एग्जाम में कितना लिख पाते हो, दैट इज योर आउटपुट, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जिसकी एफिशिएंसी इज मोर देन कार्नोट इंजन, क्लियर है। देन आपके पास है सेकंड पॉइंट कि एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि एफिशिएंसी है वो कार्नोट इंजन की, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अभी हमने देखा एफिशिएंसी कितनी थी, 1 - T2 / T1, कहीं पे भी यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस नहीं था। तो ये दोनों थ्योरम्स जो हैं, सॉरी दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं किसको, कार्नोट थ्योरम को, कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी इज मोर देन कार्नोट इंजन, एंड सेकंड कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, अगर क्लियर है तो फिर हम डेरिवेशन की तरफ चले, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ओके बेटा। अब आपके पास है, अब फर्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स देर इज नॉट एनी इंजन हुज एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन कार्नोट इंजन, कि सपोज हम एक इंजन ले ले जिसको हम क्या कह रहे हैं, आई हमने एक इंजन ले लिया, तो इसकी एफिशिएंसी हम क्या ले ले, एन आई, कि जो एफिशिएंसी है इस इंजन की जो कि आई इंजन है कोई, उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी, अगर कार्नोट इंजन सी हमने क्या ले लिया, कार्नोट इंजन ले लिया, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से हमेशा इस इंजन की एफिशिएंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन इस चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या ऐसा एक्चुअल में होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट हम सिचुएशन लेके चलेंगे कि सपोज हमने एक इंजन ले लिया, आई इंजन ले लिया,
उसकी एफिशिएंसी हम क्या मान के चलेंगे कि इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है किससे, कार्नोट इंजन से। समझ गए मेरी बात? देखिए फिर से समझिए, कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो सके, मतलब कार्नोट इंजन ही बेस्ट इंजन है। तो कहने का मतलब है कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कार्नोट इंजन को हम सी मान ले तो उसकी एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, ईटा सी। तो ये ईटा सी ग्रेटर होगी किससे, कोई दूसरा इंजन हम ले रहे हैं आई, ये है स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग, कार्नोट थ्योरम के। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि मान लेते हैं हमने जो इंजन लिया आई इंजन, उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है किससे, कार्नोट इंजन से। और हम लास्ट में ये देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स आने का मतलब ये है कि जो कार्नोट थ्योरम ने बोला कि यस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ग्रेटर देन अदर इंजन, वो चीज क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। समझ आई बात मैं क्या कह रही हूँ, क्लियर है बेटा? हम इसके जस्ट ऑपोजिट लेके चलेंगे। जो कार्नोट थ्योरम बोल रही है कि कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, हमने जो इंजन लिया है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम लास्ट में देखेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाएगी, और ये स्टेटमेंट गलत प्रूव होगी तो इसका मतलब कार्नोट थ्योरम वाली जो स्टेटमेंट है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है, वो क्या होगी, सही होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्लीज पे अटेंशन एंड डोंट लीव द लेक्चर, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम यहाँ पे ए पार्ट को प्रूव करने के लिए कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन अदर इंजन, ठीक है, इस चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो इंजन्स लेंगे। एक तो कौन सा लेंगे, रिवर्सिबल, अब ध्यान से देखना, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। और इस कार्नोट इंजन को हम किसका नाम दे रहे हैं, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन को हम नाम दे रहे हैं आर। और दूसरा हम ले रहे हैं एक कोई और इंजन, इरिवर्सिबल हीट इंजन। और इस इरिवर्सिबल हीट इंजन को हम क्या नाम दे रहे हैं, आई। और ये दोनों इंजन मिलके एक साथ काम करेंगे और कार्नोट थ्योरम का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए हमने दो इंजन लिए हैं, एक तो हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन कैसा है, रिवर्सिबल इंजन है ना। साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही थी ऐसे ही था ना, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और डी से वापस ए पे आ गए, तो ये था कार्नोट इंजन। तो वापस जो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल हो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। तो कार्नोट इंजन कैसा है, रिवर्सिबल इंजन है। तो यहाँ पे हमने दो इंजन लिए हैं, एक तो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन जो कि आर है, और दूसरा है इरिवर्सिबल, मतलब वो इरिवर्सिबल है और क्या ले रहे हैं, हीट इंजन जो कि आई बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास सोर्स और ये है हमारे पास सिंक। अब यहाँ पे ये है हमारे पास आर, आर क्या है, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन आर। अब ये रिवर्सिबल है तो आपका ये जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है वो एक हीट पंप की तरह वर्क करेगा। हीट पंप क्या होता था, रेफ्रिजरेटर। तो मतलब यहाँ पे जो रिवर्सिबल हीट इंजन आपने लिया है ये किसकी तरह वर्क करेगा, इट एक्ट्स लाइक ए रेफ्रिजरेटर। और ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये एक हीट इंजन की तरह वर्क करेगा। तो अगर आपको याद हो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या हो रहा था कि सिंक में से हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, और सोर्स में से क्या कर रहे थे, हीट को रिजेक्ट कर रहे थे। तो पहले तो ये समझते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1, और सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2। आप सब जानते हो सोर्स का टेम्परेचर हाई रहेगा, सिंक का टेम्परेचर लो रहेगा। अब दूसरा हमने इंजन लिया है इरिवर्सिबल इंजन जो कि कैसा है, हीट इंजन है। हीट इंजन में क्या होता है, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब होती है। सपोज करते हैं यहाँ से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, Q1। अब इस Q1 में से एक पार्ट तो क्या करते हैं कि वर्क डन करने में यूज हो गया, तो मान लेते हैं कितना वर्क डन किया इस हीट इंजन ने जो कि आई है और कैसा है, इरिवर्सिबल इंजन है। सपोज उसने W डैश वर्क किया तो सिंक में कितनी हीट रिजेक्ट होगी, सिंक में हीट रिजेक्ट होगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ,
तो सिंक के अंदर बेटा ये इंजन आई जो कि इरिवर्सिबल हीट इंजन है, जो हीट इंजन की तरह ही वर्क कर रहा है। तो ये कितनी हीट रिजेक्ट कर देगा? Q1 - W-। ये चीज समझ आई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ओके, अब देखिए ये क्या करेगा। ये आपको पता है हीट पंप है, मतलब रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी कंटेंट्स रखे होते हैं उनमें से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सो दैट उनका टेम्परेचर डाउन हो जाए और उस हीट को सोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो सिंक ये है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर सिंक क्या होता है, जो भी फ्रिज के अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है, मैटर रखा हुआ है, वो तो उसमें से हीट को लेगा, है ना। और आपको याद हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, हीट जो है वो कोल्ड से, आप देख रहे हो T2 क्या है, लो टेम्परेचर है, तो T2 से, लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी ऐसे। लेकिन ये कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो अपने आप ये कर दे। हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है उस पे। और वर्क डन के लिए याद हो तो एक एक्सटर्नल एजेंसी हमने लगाई थी, जिसको क्या बोल रहे थे हम वहां पे, इलेक्ट्रिक मोटर बोल रहे थे। इलेक्ट्रिक मोटर जो थी वो वर्क डन कर रही थी किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से हीट सिंक से सोर्स में फ्लो कर रही थी। याद आया? तो यहाँ पे कितनी हीट लेगा इसमें से, इसमें से वर्क डन भी सिस्टम पे हो रहा है, तो यहाँ से जो हीट सिंक में से लेगा वो लेगा Q1 - W। ये W भी यही रहेगा, तो Q1 - W हीट ली, ठीक है, उसमें से W इस पे ऊपर वर्क हो गया, तो सोर्स में कितनी हीट रिजेक्ट करेगा ये Q1। तो Q1 वापस इसने क्या कर दी, सोर्स में रिजेक्ट कर दी। फिर से समझिए, यहाँ से जो इरिवर्सिबल हीट इंजन था वो था आई, और ये रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है वो एक रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये आई इंजन तो क्या करेगा, सोर्स में से हीट एब्जॉर्ब की इसने Q1, Q1 में से W1 वर्क हुआ, और रिजेक्ट कितनी हुई, Q1 - W। ये क्या करेगा पंप, या ये बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर, Q1 - W हीट इसने एब्जॉर्ब की, क्योंकि ये जो W है वो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, इसलिए हम -Q1 - W लेते हैं। जब वर्क डन होता है तो वर्क डन जो है W वो माइनस में रहता है, तो Q1 - W इसने हीट एब्जॉर्ब की कहां से, सिंक में से, ठीक है। यहां से W एड हो गया क्योंकि वर्क डन हो रहा है, तो बचा क्या, जो सोर्स में रिजेक्ट करेगा वो बचा Q1। ये चीज समझ आई आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितनी हीट इस इरिवर्सिबल इंजन ने सोर्स में से ली थी, उतनी ही हीट हमने यहाँ पे सोर्स में क्या कर दी, वापस ऐड कर दी। और ये एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों इंजन्स का, तभी हम कार्नोट थ्योरम को क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने दो इंजन्स ले रखे हैं, एक कौन सा, हीट इंजन जो कि इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। दूसरा क्या है, आर, जिसको हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। हम ये जानते हैं कि कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो कि क्या है, आर है, उसकी ग्रेटर होगी किससे, हीट इंजन आई से। लेकिन हम यहाँ पे ऑपोजिट लेके चलेंगे, हम क्या लेके चल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आई इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन जो क्या है, आर। ये हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, क्लियर है बेटा। अब ये चीज देखो, अगर हम ये मान रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसने Q1 हीट को लिया है कहां से, सोर्स में से, तो जो वर्क डन हुआ है W- वो ग्रेटर होगा किससे, W से, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये हीट जो ले रहा है उसका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट किस में कन्वर्ट होगा, W में, मतलब वर्क डन में। तो Ni की एफिशिएंसी ज्यादा, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है बाय हीट इंजन आई वो ग्रेटर होगा किससे, इस W से। ये चीज समझ सकते हो? और अगर ये चीज क्लियर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसने जो हीट रिजेक्ट की है सिंक में वो क्या होगी, लेस होगी जितनी इसने हीट ली है किससे, सिंक से। तो ये चीज ये एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे Q1 - W- ग्रेटर है, सॉरी Q1 - W- नहीं W,
ये ग्रेटर होगा किससे, Q1 माइनस W डैश से, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये मिनिमम हीट को किसमें रिजेक्ट करेगा, सिंक में। इसलिए आप देखिए हीट रिजेक्टेड बाय दिस आई इंजन वो क्या थी, Q1 माइनस W। तो जो सिंक में हीट रिजेक्ट की है वो कम है किसके कंपैरिजन में, जितनी हीट ये आर इंजन ले रहा है कहाँ से, सो इस सिंक से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये निकाल लें कि ये दोनों सिस्ट इंजन्स को हमने क्या कर दिया है, कपल कर दिया है, एक आईआर सिस्टम बन गया है। तो अगर हम ये निकालें कि ये आईआर सिस्टम हीट कितनी एक्सट्रैक्ट कर रहा है सिंक से, तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये हीट तो वो है जो सिंक में रिजेक्ट हुई है, मतलब ऐड हुई है, और ये हीट वो है जो सिंक में से बाहर आई है। तो टोटल अगर हम ये निकाल लें कि ये जो आईआर सिस्टम है, मतलब इंजन आई और इंजन आर, दो इंजन का जो कॉम्बिनेशन है, ये सिंक में से टोटल कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए Q1 माइनस W तो हीट ली है किसने, आर इंजन ने, मतलब रेफ्रिजरेटर ने, माइनस ये हीट क्या हुई है, ऐड हुई है। तो यहां से हम ये निकाल लेंगे Q1 माइनस W डैश, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस W माइनस Q1, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, W डैश। तो Q1 से Q1 तो कैंसिल हो गया, मतलब W डैश माइनस W हीट क्या हुई है, एक्सट्रैक्ट हुई है ना। तो ये देखो यहाँ से जितनी हीट यहाँ पे सोर्स से बाहर निकली थी उतनी ही हीट सोर्स में ऐड हो गई है, ये चीज मान रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी हीट सिंक से बाहर आई है उतनी ही हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट, इतनी ही हीट कहाँ जा रही है, सोर्स के अंदर ऐड भी हो रही है। तो अगर हम यहाँ से ये लिख लें, एक मिनट बेटा, W माइनस W डैश ये वो हीट है जो सिंक से एक्सट्रैक्ट हुई है ना। एंड ये जो हीट है एक साइकिल में उतना ही काम कर रही है, सेम काम कर रही है विदाउट एनी चेंज, क्योंकि यहां से आप देखिए Q1 हीट ही सोर्स से निकल रही थी और Q1 हीट ही सोर्स में क्या हो गई है, ऐड हो गई है। तो कहना है इसे जितनी हीट सिंक से एक्सट्रैक्ट हुई है उतना ही जो हीट है वो इस सोर्स के अंदर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। देखो यहाँ से Q1 क्या कर रहा था, ये आपका सोर्स, ये जो आई इंजन है वो ले रहा था, और आर उतना ही ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है इस साइकिल में कोई चेंज नहीं है, अगर इतनी हीट सोर्स से निकल रही है तो मतलब इतनी ही हीट W माइनस W डैश ये वो हीट है जो सोर्स में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी हीट सोर्स सिंक से ले रहे हो उतनी ही हीट सोर्स में ऐड कर रहे हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट है किसके, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के, जो ये बताता है कि जितनी हीट आप सोर्स से ले रहे हो और जितनी सिंक में रिजेक्ट कर रहे हो, या जितनी सिंक में से ले रहे हो उतनी सोर्स में ऐड नहीं होगी, वहां पे कुछ ना कुछ हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कि जितनी सिंक से एक्सट्रैक्ट करे उतनी ही सोर्स में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये अगर चीज पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो हम ये चीज लेके चले थे, एफिशिएंसी ऑफ इंजन आई इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इंजन आर, वो भी क्या है, गलत है। तो अगर ये गलत है तो क्या सही होगा फिर, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आर वो ग्रेटर होगी किससे, एफिशिएंसी ऑफ इंजन आई। ये चीज जो कि कार्नोट थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है वो क्या है, इसका मतलब करेक्ट है। तो ये आपके पास कार्नोट थ्योरम थी जो ये प्रूव कर रही है कि आपके पास एफिशिएंसी जो कार्नोट इंजन की है वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम रहेगी और ग्रेटर होगी किसी भी इंजन से जिसकी एफिशिएंसी हम यहाँ पे मान रहे हैं, जो दोनों टेम्परेचर्स के बीच में, ये दोनों इंजन आप देखिए दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं। ये जो आई इंजन है ये भी T1 और T2 के बीच में वर्क कर रहा है, दूसरा हमारा आर इंजन जो कि कार्नोट इंजन है वो भी T2 और T1 के बीच में वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी सेम
सेम टेम्परेचर्स के बीच में ये वर्क कर रहे हैं, देन ऑल्सो हमारे पास जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वही मैक्सिमम होगी। आई इंजन जो हमने लिया है अदर देन कार्नोट, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास कार्नोट इंजन था, और यहाँ से अगर हम निकालें तो ये भी प्रूव है कि एफिशिएंसी जो है वो 1 - T2/T1 होती है। तो सेकंड जो पॉइंट था कि एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये चीज भी क्या है कार्नोट थ्योरम की, करेक्ट है कि एफिशिएंसी कहीं पे भी, आपने देखा किसके ऊपर वर्क कर रही थी अभी, सोर्स T1 और सिंक का टेम्परेचर T2 के बीच में वर्क कर रहा था, कहीं पे भी वर्किंग सब्सटेंस की बात नहीं हुई कार्नोट थ्योरम में भी। तो ये चीज जो बी पॉइंट है कार्नोट थ्योरम का कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि सिंक का टेम्परेचर कितना है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है। क्लियर है बेटा? तो कहीं पे भी वर्किंग सब्सटेंस की बात नहीं हुई, तो इसका मतलब कार्नोट थ्योरम का जो सेकंड पॉइंट है वो भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हमारी कार्नोट थ्योरम ट्रू होती है। तो कार्नोट थ्योरम और कार्नोट इंजन, इन्हीं दो पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। जो वर्क डन हमने निकाला था एडियाबेटिक के अंदर, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के बेस पे आप क्वेश्चंस करोगे, अदरवाइज क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए फटाफट, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है आपके पास कि क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट। ए स्टीम इंजन डिलीवर्स, स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 × 10⁸ जूल्स ऑफ वर्क पर मिनट, मतलब इतना वर्क कर रहा है एक स्टीम इंजन, कितना, 5.4 × 10⁸ जूल्स ऑफ वर्क पर मिनट, पर मिनट गिवन है, एंड एब्जॉर्ब्स, अब देखते हैं एब्जॉर्ब कितनी हीट करता है, 3.6 × 10⁹ जूल्स ऑफ हीट पर मिनट। देखिए इतनी हीट वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इतनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, और ये हीट वो है जिसको उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क डन में फ्रॉम द बॉयलर। तो कोई बॉयलर लगा हुआ है जिसको हीट, हॉट रिजर्वॉयर हम बोल रहे हैं, तो बॉयलर में से इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इतनी हीट को वर्क डन में चेंज कर रहा है पर मिनट। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। नेक्स्ट इसी में आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। वेस्टेड पर मिनट का मतलब ये है बेटा कि सिंक में कितनी हीट जा रही है पर मिनट, वेस्टेड पर मिनट, ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी बताइए, अब सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं ना, फॉर्मूला पुट कीजिए कि हीट कितनी, अब देखो कैसे कर सकते हो, आउटपुट कितनी है, जितना वर्क डन हो रहा है वही आउटपुट है, तो आउटपुट है 5.4 × 10⁸ जूल्स। इनपुट, इनपुट वो है कि जो उसने पर मिनट बॉयलर में से वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इनपुट कितनी है, 3.6 × 10⁹ जूल्स। अभी मैंने बताया था एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला इनपुट आउटपुट की फॉर्म में, कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब मुझे जल्दी बताइए इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आउटपुट ये है इनपुट ये है, दोनों को सोल्व करो और बताओ आंसर कितना है। कैलकुलेशन की हैबिट डेवलप कीजिए। एफिशिएंसी इज 15%, वेरी गुड बेटा। अब बताइए मुझे कि हीट कितनी वेस्ट हुई है, तो हीट वेस्ट कैसे निकाल सकते हो, हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी हो रही है और वर्क डन में कितनी चेंज हो रही है, बाकी वर्क डन में चेंज होने के बाद जितनी हीट बाकी रह जाती है वो सारी वेस्ट हो रही है। यस, एक प्रियंका ने, सॉरी इसने, मनीषा ने आंसर निकाला है, साक्षी ने निकाला है, बाकी सब क्या कर रहे हो, यस अदर स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आया, मुस्कान क्या कर रही है, साहिल, संगीता, अनु क्या कर रहे हो, बेटा जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकाला कीजिए अभी, नहीं तो होगा कैसे। यस एफिशिएंसी एनर्जी वेस्टेड निकाली है, यस मनीषा राइट, और मनीषा, साक्षी, बाकी सब क्या कर रहे हैं, सबसे मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं नहीं करा रही है क्वेश्चन, आप कीजिए।
सिर्फ प्रेजेंट रहने से तो काम नहीं चलेगा. यस साहिल, आर यू प्रेजेंट देयर? यस कनिका, आंसर. तानिया, मनीषा, राहड, नेहार. अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं. ज्योति, 15%. देखिए कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी निकालनी है. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, आउटपुट ओवर इनपुट. इसको सोल्व करोगे तो देखिए, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाइए 10 to the power 9 को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5.4 × 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय 3.6. इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.15. ठीक है, और 0.15 अब हमें परसेंट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसका भी 100 टू 100, 100 कैंसिल, मतलब 15%. ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली 15%, आप सबकी भी आ गई. अब हमें क्या निकालना है, हीट कितनी वेस्ट हुई है. ठीक है, तो हीट वेस्टेड कैसे निकालेंगे, हीट एनर्जी वेस्टेड हम निकालेंगे. हीट कितनी एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, और एब्जॉर्ब हीट में से अगर हम जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन में चेंज हुई है उसको अगर माइनस कर दे, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, एनर्जी या हीट रिजेक्टेड टू द सिंक. तो ये हमारे पास कितना है, हीट एब्जॉर्ब हुई थी 3.6 × 10 to the power 9, और ये हीट जो है वर्क डन में कितनी चेंज हुई है, 5.4 × 10 to the power 8 जूल्स. दोनों ही जूल्स में है, माइनस कर लीजिए इजिली, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3.06 × 10 to the power 9 जूल्स. ये आपके पास क्वेश्चन था. ठीक है, अब सबका आ गया. ओके, एक क्वेश्चन और लिखिए और बस फिर क्लास को खत्म करते हैं. आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है. एन इलेक्ट्रिक हीटर, यस राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फास्ट. एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वॉट. ठीक है, पावर दे रखी है. इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड, एट वॉट रेट इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग. आपको क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो सप्लाई करता है हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वॉट. अब वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को, कितनी हो रही है, 100 वॉट. वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की. ठीक है, या हीट इसको जो वर्क डन को आप क्या, सॉरी वॉट को आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, है ना. तो ये डेल्टा क्यू आ गया. डेल्टा डब्ल्यू कितना है आपके पास, द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, मतलब डी डब्ल्यू हमें गिवन है 75 जूल्स पर सेकेंड. एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नहीं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव. अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है. तो यहां से अगर आपको याद हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. सॉरी, तो डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यस बेटा सोल्व कीजिए.
यस कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू चेंज इन एट व्हाट रेट इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है. सिंपली डेल्टा यू क्या हो जाएगा, किसने निकाला? 25. यस 25 आंसर. यस मुस्कान, साक्षी, नहीं साक्षी नहीं निकाला है. ये साक्षी, संगीता, बाकी लोग 25 आ रहा है ना, 25 और किसी का नहीं आया. सिंपली डेल्टा क्यू कितना है? 100 है. डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 75 है. दोनों को माइनस ही तो करना था, तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ गया 25 जूल्स पर सेकेंड. ठीक है बेटा, यहाँ पे ये यूनिट आपकी खत्म होती है. किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का पूछ लीजिए, क्लियर कर लेना, आज क्लियर कर लेना.